क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे कजिन ब्रदर की लड़की की शादी थी, वो छोड़ के मैं इधर आपको मिलने के लिए स्पेशल बाय मेट्रो आया हूँ, फास्ट उड़ के। अवंतिका जी प्लीज प्लीज ज्वाइन अस प्लीज मैम। अर्चना जी, ये जो फिनाले 28th को होने वाला और आज जो फाइनल हुए हैं उसमें से कुछ मॉडल्स आज प्रेस के रूबरू होंगे, तो आपने मॉडल्स के लिए कुछ क्या कॉस्ट्यूम के लिए इस बार नया कुछ सोचा है? हम कुछ बहुत खूबसूरत गाउन्स बना रहे हैं इन मॉडल्स के लिए, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ड्रेसिंग देम अप इन माय गाउन्स फॉर द जजिंग ऑन द 28th। और बावरी से अगर कोई आए हैं तो वो भी मंच पे आ जाए, फोसे वॉचर से अगर कोई आए हैं तो वो भी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आए। एकता जैन से रिक्वेस्ट है प्लीज ज्वाइन अस। खुशी 28th को जो इवेंट है उसके बारे में प्रेस को कुछ बताइए, कितने बजे शुरू होगा, कितने राउंड्स होंगे और फाइनल जजेस कौन कौन होंगे उस दिन? जजेस में तो सबसे पहले योगेश भाई हैं, सेकंड अर्चना जी हैं, ओके ओसाम, हाँ सर मनियार सर आप हैं, अवंतिका जी हैं एंड हाँ सलमा आगा जी हैं, साशा आगा जी हैं एंड देन अंकिता श्रीवास्तवा, अंकिता श्रीवास्तवा इज देयर ऑन द पैनल, प्रीतिका राव, मरियम जकारिया इज देयर, प्रीतिका राव इज देयर एंड मोर आई गेस सेलिब्रिटी गेस्ट हुआ, हाँ टीना आहूजा इज देयर, टीना इज देयर गोविंदास डॉटर, या शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। प्लीज वेलकम ऑल द मॉडल्स ऑन द स्टेज। Hello everyone, good evening. My name is Archana. I'm from Nagpur. Check. Hello everyone. I'm myself Gautami Baispati. I'm from Nagpur. Thank you. Hi, good evening. Myself Shwet Nisha. I'm from Kolkata. Thanks. Good evening everyone. My name is Reena Trivedi. I'm from Rajasthan. Good evening everyone. My name is Nutashri Jagtap. I'm from Nagpur. Thank you. रेस्ट ऑफ द मॉडल्स आर कमिंग, जब तक तो आते हैं वो, प्रेस वालों से रिक्वेस्ट है कि कुछ अगर पूछना चाहें तो ऑर्गेनाइजर योगेश लखानी और खुशी मैम है यहाँ पे, तो उनसे हम पूछ सकते हैं। हाँ एक सेकेंड। यस वेरी गुड, मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मेरा अभी तक का तो आउटडोर का एक्सपीरियंस, इन्होंने मुझे जज का ड्यूटी दिया है तो अभी सोचना पड़ेगा कैसे करना है, और ब्यूटी विद ब्रेन प्लस सोसाइटी के लिए लोग क्या करते हैं, बट जीतने के बाद समाज के लिए क्या बेनिफिट दे सकती है और उनके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, क्या सब चीज देखनी पड़ेगी। यस यू आर राइट। खुशी जी
टोटल कितने एप्लीकेंट्स थे जिसमें से आपने ये 24 फाइनलाइज की? टू बी वेरी फ्रैंक, समवेयर अराउंड 250-300, नॉट मच, बिकॉज काफी लोग बच्चों के एग्जाम्स थी, काफी लड़कियों के एग्जाम्स थी. द टाइम व्हाट वी शेड्यूल्ड वाज समवेयर नॉट फीजिबल एक्चुअली, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम विल टेक केयर ऑफ इट एंड मे बी द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स विल ट्राई टू कीप इट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट और अक्टूबर, ताकि मैक्सिमम लड़कियां पार्टिसिपेट कर सके. एंड व्हाट वाज द क्राइटेरिया टू शॉर्टलिस्ट? In this case, it was very clear. We were not more pitching towards the height and the body line, but yes, of course, we were pitching up for the confidence level and what they can be making for. Their unka presence, the way how they used to talk. We used to study minimum nearly 3 to 4 days before filling the form. We were trying to get it up ke what exactly they are willing to do something. What is their goal? What they want to achieve in life? Okay, Yogesh ji. इनमें से शायद 3 या 4 नागपुर से, तो क्या आपने नागपुर में ज्यादा होर्डिंग्स लगा दिए थे? मैं नागपुर में अब तक लाइफ में गया नहीं हूँ, ना तो मेरे होर्डिंग्स है, मेरे ओल्ड इंडिया में होर्डिंग्स है, लेकिन गोवा, पुणे, मुंबई में गए. नागपुर में अभी इनको देख के लगता है कि नागपुर और चंडीगढ़ जाना चाहिए, ब्यूटी वहां ज्यादा है. अर्चना या लिपिका या what kind of gown are you making? Like what material are you going to use? And will you give it to them or it will just be one way? So the gowns that we are making are all minimalistic. There are a lot of gowns in different palette of colors, and they have minimalistic embroidery so that they're not blingy and they're just nice straight fit gowns. Achana, what is your definition of a perfect woman, and what kind of costumes? Since you have recently designed clothes for a film also, so what kind of costumes do you personally prefer to go with the models? My definition of a perfect woman is a woman who thinks beyond herself, who's confident and who's compassionate, who knows how to take care of herself, and who can give back to society. So that's my definition of a perfect woman. And the costumes that we design per person depends upon the personality of that person. And my belief is that we need to make things which enhance that person. It's not about showcasing and showing that it's they're wearing us. It's about they looking fabulous on that particular day or that particular occasion of theirs. What is your opinion of the present fashion scene in India? The present fashion scene in India has really, it's changed from what it was. The last decade has really seen a big enhancement in the fashion scene of India. And I think we're very global today. Yogesh ji, aapke jo film walon ke sath bahut acche contacts hain. So will you promote them in Bollywood as well? अभी तक मेरे साथ कुछ इस तरह से बात नहीं हुई है, लेकिन अगर इनमें जरूर कुछ होगा हुनर्स तो आई विल ट्राई रिकमेंड. मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं फिल्म बनाएगा तो मैं सोच सकता हूँ, लेकिन दूसरे के लिए मैं नहीं कमिट कर सकता हूँ. यानी आप फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं? अच्छी हीरोइन आप जैसी कोई मिल जाएगी तो श्योर बनाएगा. कोई नहीं मिला आपको, इसीलिए आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ. सो स्वीट. अच्छा खुशी, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द मैगजीन and this fashion show? Connection in the sense, it's always the Perfect Woman magazine itself is all about women's, okay, the women empowerment and all, like, so in this case of course this was not only for women's, it's like the girls, the youngsters. In fact, from next year onwards we are coming up with Mrs. India also. Perfect Mrs. India. So we are in the lineup of 3 events from next year onwards, like Perfect Mrs. India, then Perfect Little Champs for kids, and Perfect Miss India. So bride will always be associated with us, so it's like bride Perfect Miss India. And so, one more thing, this is the second year we associated with Archana Kochhar. So last year also she was on the panel, and this year again she is on the, but last year unfortunately she wasn't able to attend because of the dates disqualified, but this time yes, of course she will be to judge and all. Yes. And what about your son? He is the youngest photographer. Oh, how nice of you. Thank you so much for remembering that. Yeah, he's there. Come. He'll be clicking all the models. Yeah, he will be. Nice. He'll be the one. He'll take care of the calendar shoot also. He's 13 years. Oh, nice. Yeah, he's alphas. Say hello, will he say something? He's tall, but he's not. What's your name?